going to learn relatives. तो आज हम कौन सा टॉपिक लर्न करेंगे? Relatives. Relatives यानी कि हमारे family members. हम जिसके साथ रहते हैं वो family members. तो family में तो कितने सारे person होते हैं, है ना? Mother, father, uncle, auntie, है ना? तो आज हम वो लर्न करेंगे. पापा फादर. तो पापा को इंग्लिश में फादर कहते हैं. पापा को इंग्लिश में फादर कहते हैं और डैडी भी कहते हैं. ओके, पापा फादर. तो हमें फादर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके, हमें फादर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वो हमारे सभी विशेष पूरी करते हैं, हमारे लिए टॉयज लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, है ना? तो पापा फादर. मम्मी मदर. तो मम्मी और मम्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मदर. मम्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मदर. तो मदर यानी कि मम्मा. तो मम्मा हमारी कितनी केयर करती है, हमारा ध्यान रखती है हमारे फैमिली के लिए. और हमें होमवर्क कराती है, हमारे लिए फाइन फूड बनाती है ना? खाना बनाती है सबके लिए और सबका काम करती है. तो उसे इसलिए हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके, तो मम्मी यानी मदर, मम्मा मदर. ओके, फादर एंड मदर आर आवर पेरेंट्स. फादर एंड मदर आर आवर पेरेंट्स. फादर एंड मदर को क्या कहते हैं? पेरेंट्स. फादर एंड मदर को क्या कहते हैं? पेरेंट्स. भाई ब्रदर. तो भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रदर. भैया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रदर. हमारा छोटा और बड़ा भाई होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रदर. वो हमारे साथ प्ले करता है ना, हम उससे उसके साथ प्ले करते हैं और मजे करते हैं. ओके, तो भाई यानी ब्रदर. बहन सिस्टर. तो बहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टर. बहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टर. तो हमारी सिस्टर छोटी भी होती है और बड़ी भी, दोनों को सिस्टर ही कहते हैं. और वो भी हमारे साथ प्ले करती है ना, हमारी हेल्प भी करते हैं. ओके, तो तो सिस्टर यानी बहन. Brother and sisters are our siblings. हमारे भाई और बहन को क्या कहते हैं? Siblings. Brother and sister को क्या कहते हैं? Siblings. दादा ग्रैंडफादर. दादा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर. दादा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर. तो वो हमें स्टोरी सुनाते हैं अच्छी अच्छी, है ना? हमारे ग्रैंडफादर हमें स्टोरी सुनाते हैं और हमारे साथ प्ले भी करते हैं कभी कभी. हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी बात माननी
दादी ग्रैंडमदर, दादी ग्रैंडमदर, दादी ग्रैंडमदर। तो दादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रैंडमदर। दादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रैंडमदर। तो हमारे ग्रैंडमदर भी हमें स्टोरी सुनाती है, हमारी दादी भी हमें स्टोरी सुनाती है, कभी कभी हमारे साथ प्ले भी करते हैं, है ना। तो हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी भी सभी बातें माननी चाहिए। ओके, तो दादी यानी ग्रैंडमदर, दादी यानी ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर आर अवर ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर आर अवर ग्रैंड पेरेंट्स। दादा और दादी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ओके, तो इसी तरह आपको ये सब रिकॉग्नाइज करना है कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। ओके, और हमारे एल्डर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ओके, और उसकी सभी बातें माननी चाहिए। ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइसेल्फ। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइसेल्फ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइसेल्फ। तो माइसेल्फ यानी किसी को अपने बारे में बताना, अपना खुद का इंट्रोडक्शन करना। ओके, अगर हमें कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, कोई हमें पूछे व्हाट इज योर नेम, तो हमें क्या कहना है? फॉर एग्जांपल, मेरा नाम पिंकी है, तो हमें क्या कहना है? My name is Pinky. My name is Pinky. Pinky की जगह आपका जो भी नाम है वो रखना है आपको। तो अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहना है? What is your name? My name is Pinky. My name is Pinky. आपका जो भी नाम है वो बोलना है। मेरा नाम Pinky है। ओके, फिर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर फादर नेम, तो क्या बोलना है? आपके फादर का जो भी नाम है वो। फॉर एग्जांपल, माय फादर नेम इज, जो आपके फादर का नाम है वो ऐड करना है। My father name is, okay? अगर आपसे कोई पूछे what is your father name, तो आपको my father name is, जो father का नाम है वो ऐड करना है। okay? फिर आपसे कोई पूछे what is your mother's name, आपके mother का नाम क्या है, तो माय मदर नेम इज, आपकी मदर का जो नेम है, आपकी मम्मा का जो नेम है वो ऐड करना है। तो माय मदर नेम इज, ओके, व्हाट इज योर मदर्स नेम, माय मदर्स नेम इज, जो आपका मम्मा का नाम है वो ऐड करना है। ओके, How old are you? आप कितने साल के हैं? अगर आपसे कोई ऐसा पूछे तो आप जितने साल के हैं वो बताना है। For example, 4 years. तो I am 4 years old. अगर आपसे कोई पूछे How old are you? I am 4 years old. आप 5 years के हो? तो 5 years बोलना है। आपकी जितनी भी एज हो वो आपको ऐड करना है। तो हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 4 years old. मैं 4 years की हूँ।
अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर स्कूल नेम, तो आप जो भी स्कूल में पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसका नाम ऐड करना है। माय स्कूल नेम इज। ओके, व्हाट इज योर स्कूल नेम? माय स्कूल नेम इज। आप जो भी स्कूल में पढ़ रहे हो वो ऐड करना है। ओके, इसी तरह आपको myself learn करना है। ओके, आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आप कितने साल के हो और आपके स्कूल का नाम, उसे myself कहते हैं। ओके, अपना self के बारे में introduction देना। ओके, तो आपको भी ये घर पे प्रैक्टिस करना है कि myself कैसे बोलना है। ओके, तो मजा आया सबको ये वीडियो देख।